अलग अलग पंचायतों से, जिसमें तहसील मंडी से, तहसील पुंछ से काफ़ी सारे डेपुटेशन हमें यहाँ पे मिले हैं जी। और पहले तो इन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, तो जिसके लिए मैंने इनको कहा कि ये मुबारकबाद के अंदर असली आप जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया और ये जीत जो है दर्ज। साथ ही साथ जो जो इनके मेजर इश्यूज थे वो मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस किए। मुझे बड़ी उम्मीद है कि जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है उसमें और बेहतरी जो है वो आने दिनों में लाएगी, और ख़ास करके डीसी साहब और बाकी जो अमला है वो काफ़ी ग्राउंड पे ऑलरेडी पहले काफ़ी एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं रोड्स के मुतलक, उनकी क्वालिटी के मुतलक, और ख़ास करके जो दूर दराज इलाके के लोग हैं काफ़ी देर से इनकी पेमेंट्स बंद हैं, तो उन पेमेंट्स के लिए भी जो है आज हमने बात की कि जिस जिसके वर्क डन लाइबिलिटी है, जिस जिसका जो ऑफिशियली कागजात पूरे तैयार हैं उनको पेमेंट्स होनी चाहिए, काफ़ी बड़ा बैकलॉग है। तो ये कुल मिला के हों के तमाम इलाके के जो हमारे प्रोमिनेंट लोग हैं, हमारे एक सरपंच हजरात हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी इलाके की रखी है, और हमने यही एश्योर इनको किया कि जल्द से जल्द जो है आपकी मुश्किलात हल होंगी। और ख़ास करके एक मुद्दा फेंस को लेके जो आ रहा है उसके लिए ऑलरेडी हमने अपनी आर्मी को हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये जो फेंस लाइन है इसको ज़ीरो लाइन पर ले जाया जाएगा, ताकि आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात हल हो, और उसमें जो आर्मी के गेट्स हैं आर्मी के पर्सन पे भी एक बहुत बड़ा बोझ कम होता है कि बार बार सुबह सबको चेक करना, वापस करना, ये मुश्किलात हमारी आर्मी ही जानती है कितनी मुश्किलात है। लेकिन मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी मुश्किलात के बावजूद हमारे आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो जवान हैं, उन्होंने ज़बरदस्त ग्राउंड पे काम किया है, और वही वजह है आज पूंछ बड़ा खुशहाल है। मुझे उम्मीद है कि बाकी भी जो मुश्किलात हैं, सरपंच साहब ने मुझे, अकबर साहब ने खास करके अपनी पंचायत की बताई, मैंने इनको एश्योर किया कि अकबर साहब को कि आपकी पंचायत को प्रायोरिटी पर जो है उसमें काम, और वहाँ पर कोई भी कमी नहीं रखी।